नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृतिक पटेल और आप देख रहे हो मेरे चैनल फ्लाइंग विथ पीएनजी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले देख लीजिए चैनल का छोटा सा इंट्रो। ऐसा मैं आज नहीं कहूंगा क्योंकि आज का वीडियो पहले से ही थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरी चैनल फ्लाइंग विथ पीएनजी पे मैं एक नई सीरीज़ एयरपोर्ट स्टोरीज़ को लेके आ रहा हूँ, तो आज का ये वीडियो इस सीरीज़ का पहला वीडियो होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा होगा, उसी तरह आज के वीडियो में आपको भारत के कुछ एयरपोर्ट को दिखाऊंगा जो किस कैटेगरी में नंबर वन पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द इंडिया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है। उसको भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है, साथ ही में ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है। और उसके साथ साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही एक ऐसा एयरपोर्ट है जो भारत में दो से ज़्यादा यानी कि 3 रनवे दहराने वाला एयरपोर्ट है। देखिए वीडियो क्लिप को, और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे जाके देखिए। दूसरा है ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर डिज़ाइन एयरपोर्ट, मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी डिज़ाइन पूरे भारत में सबसे ब्यूटीफुल माना जाता है, ये आप इसके वीडियो में देख ही सकते हैं। तो वीडियो को देखिए और ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाके। You and me.
तीसरी कैटेगरी है स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट। तो कि भारत में सबसे छोटा वाला एयरपोर्ट कौन सा है? त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका दूसरा नाम है तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट तिरुचिपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। ये एयरपोर्ट को अभी तक भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट माना जाता है, लेकिन आप जिस वीडियो क्लिप को देख रहे हो वो उसका भविष्य का डिज़ाइन है, जो भावी में छोटा नहीं बल्कि और बड़ा एयरपोर्ट माना जाएगा, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा। वीडियो क्लिप देखिए और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक पे जाइए। चौथी कैटेगरी क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत का अब तक का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, जो आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। तो वीडियो क्लिप को देखिए और भी ज़्यादा जानने की इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक पर जाइए और उसे सर्च कीजिए। पांचवी कैटेगरी है ओल्डेस्ट एयरपोर्ट। जब कोई एयरपोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करे तो उसमें यह सवाल तो ज़रूर आता है कि सबसे पुराना वाला यानी कि सबसे पहला एयरपोर्ट भारत में कौन सा बना होगा। तो सबसे पुराना एयरपोर्ट की बात करें तो भारत में मुंबई जुहू के बीच
जो मुंबई जू एयरपोर्ट है वो सबसे पुराना एयरपोर्ट माना जाता है। वो अभी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की एयरलाइंस के लिए बंद है। अभी उस पर कुछ पायलट ट्रेनिंग की जा रही है, इसलिए उसको अभी एयरपोर्ट नहीं बल्कि मुंबई जू एरोड्रोम बोला जाता है। लेकिन ये कई न्यूज़ में ऐसा देखा गया है कि भविष्य में इसका बांधकाम फिर से किया जाएगा और इसको फिर से एयरलाइन के लिए चालू किया जाएगा। तो देखिए वीडियो क्लिप को, और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी लिंक पर जाइए और सर्च कीजिए। पुराने एयरपोर्ट को देखने के बाद अब दूसरी कैटेगरी की कि नया एयरपोर्ट। भारत में सिर्फ सिक्किम ही ऐसा राज्य था कि जिसके पास एक भी खुद का एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन 2018-19 से सिक्किम के पाक्योंग यानी कि पाक्योंग में भी एक नया एयरपोर्ट बनाया गया है जो 2018-19 से अपनी फ्लाइट शुरू कर चुका है। तो ये भारत का सबसे नया एयरपोर्ट है। उसके बाद अभी कोई नया एयरपोर्ट बना नहीं है, तो भारत में पाक्योंग एयरपोर्ट ही लेटेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है जो सबसे नया बना हुआ है। वीडियो में देख रहे होंगे आप, और वीडियो को देखिए। ज़्यादा कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक पर जाइए और सर्च कीजिए। सातवीं कैटेगरी है हाईएस्ट एयरपोर्ट। इस कैटेगरी में हाईएस्ट का मीनिंग है कि समुद्र की सपाटी से एयरपोर्ट कितनी ऊंचाई पे है। तो भारत में सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है उशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट लेह लद्दाख में आया हुआ है। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले टॉप 5 एयरपोर्ट में भी माना जाता है। तो देखिए इस एयरपोर्ट के वीडियो क्लिप को, और ज़्यादा जानकारी के लिए जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे ऊपर।
सातवीं कैटेगरी जब हाईएस्ट एयरपोर्ट की हुई, तो अगली कैटेगरी है सबसे नीचा एयरपोर्ट यानी कि लोएस्ट एयरपोर्ट। भारत में केरला के तिरुवनंतपुरम में तिरुवनंत इंटरनेशनल एयरपोर्ट वह भारत का सबसे समुद्र की सपाटी से नीचा एयरपोर्ट है। देखिए इस वीडियो क्लिप को और ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पे जाइए। करते हैं ये कुछ एयरपोर्ट नया ही प्रकार का है। आपने दोस्तों देखा होगा हाईएस्ट एयरपोर्ट, लोएस्ट एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट ऐसा है कि वो समुद्र के बीच में आया हुआ है, लक्षद्वीप के अगाट्टी आइलैंड पे आया हुआ अगाट्टी एयरपोर्ट वे भारत का एक ऐसा एयरपोर्ट है कि जो समुद्र में आया हुआ है, जिसे आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे। तो देखिए और ज़्यादा जानकारी के लिए जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे ऊपर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करना, और नहीं पसंद आया है तो इसे डिस्क्राइब भी ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एविएशन के रिलेटेड फील्ड के वीडियोस के लिए। अब देख लीजिए चैनल का इंट्रो।